مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ماذر رحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك <مالك يوم الدين> <كان> نعم بسم الله الرحمن الرحيم माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलामत रहो माशाल्लाह ये थे मुल्क के मैं मुमताज़ कारी कहूंगा का माशाल्लाह मुल्क के मुमताज़ कारी माशाल्लाह कारी मोहम्मद जीशान हनीफ साहब क्या खूबसूरत तिलावत कर रहे थे और जहाँ जहाँ मेरा ख्याल न नाजरी इस वक्त सुना जा रहा होगा सबके कुलूब मुनव्वर हो गए होंगे बहुत आसीन तिलावत अल्लाह नजर बद से आपको महफूज रखे मेरी दुआ है आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु सलात अला वाल सैदिलबिया इबिन मुरसलीन अल्लाह अला सय्यदना व मौलाना व वाल आल वबी वारिक वसलम वसल दुनिया के तमाम देखने वालों तमाम चाहने वालों तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ वालेकुम एक बार फिर नाजरीन आपको मैं रहमत रमज़ान की खसूस बरह रास्त में सारी के हसीन से मौके पर दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और शुक्र है उस पाक परवरदार का इब्तदा कि जिसने हमें इस काबिल किया कि हम उसका उसके महबूब का उसके महबूबीन का उसके महबूब के गुलामों का तस्करा पाक करते हैं नाजरी और शुक्र है पाक परवरदिगार का कि उसने हमारे इस प्रोग्राम के जरिए से तमाम देखने वालों के दिलों में हमारी मोहब्बतों को कायम किया जिन मोहब्बतों का इजहार गाय ब आप सोशल मीडिया पे भी करते रहते हैं और आपके पैगाम मुझे किसी न किसी सूरत मौसू होते रहते हैं आप तमाम लोग सलामत रहें और आपकी ये मोहब्बतें जो हमारे साथ हैं अल्लाह ताली इसको भी सलामत रखे आज नाजरीन जिस हस्ती का तस्कर पाक है मैं अबतदा में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ तमाम माएँ तमाम बहने तमाम बेटियाँ जिस वक्त तो टेलीविज़न स्क्रीन के उस तरफ मौजूद हैं आज का प्रोग्राम एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है समझ लीजिए एक तो ये कि बहुत आला बारगाह में हम हाजिरी पेश करने जा रहे हैं इंतहाई आला बारगाह नाजरीन कि जिनके गुलामों के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं लेकिन साथ साथ जब उस हस्ती पाक का मैं तस्करा शुरू करूंगा इन शाह और जब जयदा कराम से आप गुफ्तु सुनेंगे तो मैं यकीन से कह रहा हूं कि आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आज का प्रोग्राम देखने के बाद खवतिन को यह समझ आ जाएगा कि एक्चुअली अल्लाह ताला ने खातून को क्या क्या मराते बता किए हैं जो हमारी नज़रों से मैं हैं लेकिन आज इन हम उनको अपने कुलूब में उतारेंगे और अपनी अकदतों के नजराने पेश करेंगे बात यह नाजीन के तारीख़ इस्लाम के दामन में ऐसी बेशुमार हस्तियाँ बेशमत हिरों की तरह जगमगा रही हैं जिन्होंने तबलीग दिन जुहदवरा तकव पाकिजगी इबादत और, और रियाजत और मखलू के खुदा की खिदमत के जरिए अल्लाह रबुल्जत का कुर्ब हासिल किया और सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी इन हस्तियों पर तारीख नाजा है और उनकी सीरत इंसानियत के लिए मशल रहा है तारीख इसी दामन में नाजरीन बेशुमार ऐसे नाम उन खातिन के समोवे हैं कि जिन्होंने अपनी आयली ज़िंदगी के फ़र इंतहाई आसन तरीके से अदा किए लेकिन उसके साथ साथ साथलूक को तसवफ और तरीक़ विलायत पर ऐसे ऐसे संग मील रकम किए जो अपनी मिसाल आप हैं इस सफ में नाजरीन जहाँ अजवाज मतहारात जहाँ सहाबियात जहाँ एहलैत अतःार की अज़ीमरत शहज़ादियाँ जलवा अफरोज़ हैं वहाँ दूसरी और तीसरी सदी हिजरी की एक ऐसी ऐसीमरतबत हस्ती भी नाज़रीन वफ़ुक विलायत पर हैं, जिनसे बैक वक्त सलूक व तसवुफ़ और इल्म फनून का फैज जारी हुआ और तारीख़ इस्लाम में कई सूफिया और आय कराम ने अपने दामन को उनके फ्यूजात से मुत्तर किया है नाजरीन मैं नाम लेने जा रहा हूं बस कुछ ही लम्हों के बाद कि जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली हैं लाडली जिनको दुनिया नफीसा सैदीसा सलाम के नाम से पुकारती है ये वो पाक है नाजरीन जिनको तारीख़ इस्लाम नफीसतुल इल्म नफीसतम वमारिफा सलाम उल्ल के खिताब से याद करती है सैद्फीसा सलाम उल्ल इमाम हसन अलाम की पड़ पोती हैं अब आप समझ गए नाजरीन हवाला क्या है यानी उस नस्ल पाक का हम तस्कर पाक करने जा रहे हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है एन ए नूर तेरा सब घराना नूर का तो आज उस सुनहरी नस्ल पाक का तस्कर पाक है नाजरीन आप पड़ पोती हैं इमाम हसन असलम की और आप इमाम जाफर सादिक्लाम की बहू हैं पैदाइश मक्के में हुई बचपन मदीन पाक की तजल्लियों से मुनवर हुआ बचपन में कुरान पाक हिफ्स किया इमाम मालिक मालिका से हदीस फिक का मुंतिल हुआ सैदा नफीसा सलामुल्ला को सरकार सलाम का खास फैजान था खास फैजान अता हुआ था अब वो क्या खास फैजान है वो जरा सुनिए कि जिस दर पर जाकर अहले इल्म इल्म की खैरात लेते हैं जो इलम के शहर का दर है नाजरी उस मस्जिद नबवी की इल्मी मजालिस से नूर इलम के प्याले आप पिया करती थीं, बचपन में जिनका मामूल अपने वालिद की उंगली पकड़कर हर नमाज के बाद मवाज शरीफ पर हाजिरी हो जो अपने वालिद की दुआ हो कि जिनकी दुआ के सदके सरकार दो आलम सल्ला फरमाए कि आए हसन इनके वालिद का नाम था अय हसन मैं भी तेरी बेटी नफीसा से राजी हूं और मेरा रब भी उससे राजी है और इनाम का नाजरीन ये आलम हो कि शोहर वो आताओं अब जो बात करने जा रहा हूं ये इश्क के समुद्र में गोताजन हो के वसूल कर लीजिएगा बड़ा कमाल मोती देने जा रहा हूं हम तो इश्क के बंदे हैं साहब इश्क सारा पर जहां भी हमें आ, ये इश्क के और प्यार के और मोहब्बत के और उनफ़त की और अकीदतों के मोती मिलते हैं हम अपने दामन में समेट लेते हैं मैं जब इनका तस्कारे पाक पड़ा था नाजरीन तो एक बात मैंने देखी कि जिस तरह से ये सरकार से मोहब्बत फरमाया करती थी इश्क फरमाया करती थी और जो बार बार आपके वालद ग्रामी आपको मुआजे के सामने लेके जाते थे अब सरकार ने क्या अता फरमाया सुनिए वह ये नाजीन के इनाम का आलम ये हुआ कि आपको शौहर वो अता हुए जो इमाम जाफर सादक असलाम के नूर नजर और शबी मुस्तफ़ा सल्हल वसल्लम थे और उम्र भी ऐसी नाजरीन के इश्क बंदे तो इश्क की बात करेंगे कि इश्क के हिंसों पर यानी तिरसठ बरस आपको उम्र अता फरमाई ये भी कैसा कमाल है सैदा नफीसा सलाम्ह नाजरीन तकवा हया खिदमत खल जोहद वरा इबादत रियाजत में अपनी मिसाल आप हैं और कलाम इलाही की हाफजा और मुफसरा भी हैं सैद नफीसा सलाम उल्ला इबादत मोहब्बत इलाही नूर ईमान व यकीन से मुकम्मल तौर पर मामूर व मुनवर था इबादत इल्म अमल, तलब मार्फत रज़ाए हक अताए रसूल वाली वसल्लम आपकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना था आपकी भतीजी ज़ैनब तआला जैनबरदील फरमाती हैं कि मेरी फूफी जान तवज्जो रखिएगा मेरी पप्पी जान बहुत परहेजगार और मुत्तकी खातून हैं मैं साल तीन दिन में फकत एक बार खाना तनाउल फरमाया करती थी कुरान मजीद की तिलावत कसरत से किया करती थी और उस मामूल को आप अलैहा ने तादमे मर्ग जारी रखा अक्सर रोजे की हालत में रहा करती थी और पर्दा फरमाते वक्त भी आप रोजे ही के आलम में थी हजरत सैदा नफीसा सलामुल्ल ने जिंदगी में तीस मरतबा हज का शरफ हासिल किया और अक्सर बेशर हज आप पैदल ही किया करती थी इंतहाई दर्द के साथ और अश्क बार आंखों में अकीदत के मोती समेट कर कुरने पाक की तिलावत अक्सर किया करती थी आप रजील्ला आप सलाम उल्ला सुलूक व तसवुफ और फनून का फैज़ बायक वक्त जारी किया करती थी यही वजह है कि इमाम मोहम्मद बिन शाफ़ई शाफहीले रहमा और हजरत जुल्नून मिस्री अल रहमा जैसी अजीमुल मरतबत हस्तियां आप सलामुल्ल से इकतजाम फैज किया करती थीं और इमाम शाफ़ई रहमा आप सलामल से इल्म हदीस व फिक्र हासिल करते रहे यहाँ तक के इमाम बारगाह में भेजा करते थे और जब आप दुआ फरमाया करती थी तो आप फौरन ये कहते थे कि बस वहाँ मैंने दुआ के लिए भेजा यहां इनकी दुआ मुस्तजाब हो गई यानी आप मुस्तजाब दावा थी और नाजीन एक और बात आपको बताऊँ बड़े मजे की बड़ी कमाल बात इश्क से भरपूर बात है इब्राहिम अल्लाम का भी आपको बड़ा फैस था और वो फैज़ क्या था वो आपको बताएंगे इन श्ला कि किस अंदाज़ से आप इब्राहिम से मोहब्बत और इश्क़ फरमाया करती थी और कैसे उनके मज़ार पुर पुरान पर आपकी हाज़िरी हुई और वहाँ से आपको क्या कुछ अता हुआ अफसोस सिर्फ इस बात का होता है नाजरीन कि ये जो अब्बासी खलीफा मंसूर था बस क्या कहूँ मैं इन लोगों ने अहल बैत अथार के साथ बहुत जुल्म किया बहुत तशद्द किया नाजरीन ये वो हस्तियाँ हैं कि मिस्र वालों ने जब आपने वहाँ पर्दा फरमाया तो जाने नहीं दिया जाने नहीं दिया इसलिए कि ये चली गई तो फिर सब कुछ चला जाएगा पूरा मिस्र उमड़ कर आ गया था जब सरकार मदी सल्ह वसम ने आपके शोर हजरत है इस हाथ रदील तनों को यह फरमाया कि नहीं जसद अधर मिस्र में ही रहेगा मदीने में मुंतकिल ना करो उसके बाद ये मामला हो अब ये वो तफासन है जो आज इनशा उम्मा कराम बयान करेंगे हसन से वाक़ात हैं हसीन से रवायात हैं और आज मेरी माएँ मेरी बहनें और बेटियाँ कहीं नहीं जाएंगी हमारे साथ इस वक्त नाजरीन जो शख्सियात मौजूद हैं वो यकीनन किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है पहली शख्सियत बुजुर्ग शख्सियत हैं मुमताज़ आलिद्दीन हैं मोहतरम जनाब प्रोफ़ेसर मोहम्मद सईद अहमद ख़ान साहब दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलिदीन मोहतरम जनाब डॉक्टर नईमुद्दीन अलाजरी साहब तीसरी शख्सियत मुमताज़ आमदी मोहतरम जनाब प्रोफेसर वासिल साहब और आखिर में मुमताज़ कव्वाल मेरे भाई मेरे दोस्त अपने साथियों के साथ जनाब शेर मियाद खान साहब आप तमाम अहबाब को असलम और खुश आमदेद

एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुश आमदे कहता हूँ रहमत रमज़ान की खसूसी बरह रास्तियात सारी का मौका है और बहुत पाक मुताहर और मुमताज़ हस्ती का तस्करा पाक है नाजरीन जिन्हें दुनिया हज़रत नफ़ीसा सलाम उल्ल के नाम से जानती हैं जो पड़प होती हैं इमाम हसन आलम की तो आइए आगाज़ करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो एलेत अतः की जो फज़ीत तो महब्बत है ज़रा उस पर कलाम फ़रइए फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बसमिल्लामरम अल्ला मुहमदिन कमात हब्ब साहब पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आज नाइन्टी टू के ज़रिए जो सूर शफ़ा की तिलावत गूंजी है उसके बाद जो हमद हुई है जिस जिस भाई ने अपने घर में टी वी लगा कर ये सुनी है उस घर में बीमारी नहीं रह इन्शाल्ला, इन्शाल्ला, वो इनशा से भर जाएगा इन क्या खूबसूरत मंजर था आज इबा सुबह सुबह साहब जहां तक नबी अक्रम रहमत आलम सल वसल्लम के अहल बैत इतहार की फजीलत का ताल्लुक है मोहब्बत का ताल्लुक है उस जमन में दीनी तालीमात की रोशनी में कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद मारूजा अर्ज करने की कोशिश करूंगा शायद के उतर जाए तेरे दिल, दिल में, में मेरी बात। बात ये है कि कुरान वाज तौर पर अहले ईमान को हुक्म देता है कि ला यर मन से अहले ईमान अपनी जानों को नबी की जान से प्यारा ना जाने ये कुरान है जो अहले ईमान को हुक्म दे रहा है अल्लाह व रसूल हो को उर्दू हो इन कानूनों में जो भी साहेब ईमान होने का दावा रखता है उसकी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए वक्फ हो जानी चाहिए सुबह अल्लाह सुबह महब्बतों का ये नुकता जब रसूल अकरम रहमत आलम अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमान को समझ आ जाए तो फिर उस दर से नस्बत रखने वाली किस चीज़ से प्यार नहीं होगा अल्लाह अकबर और ये तो हैं ही घर वाले हाँ और घर वाले के साथ भी जेन में रखना चाहिए कहले बैतार की सारी फजीलतें सारी करामतें सारी बुजुर्गियाँ सारा शर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत सुबह अल्लाह ये बड़ा बुनियादी नुकता है इसको नजरों से ओझल कर दें फिर कुछ नहीं रहता ऐसा ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अहले ईमान को तीन बातें सीखने का हुक्म दिया Allah और उसके रसूल की मोहब्बत सीखो सुबह कुरान की महब्बत सीखो सुबह अहल बैत इतहार की मोहब्बत सीखो हाय 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 सुबह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपने इन प्यारों को बिठाकर कर अल्लाह के हजूर क्या दुआएं की अये अल्लाह मुझे इनसे प्यार है आहा। तू भी इनसे प्यार कर और जो इनसे प्यार करे अल्लाह तू उनसे उनसे प्यार, प्यार कर, कर। आए क्या बात है? जो इनसे दुश्मनी रखे अल्लाह तू उनसे दुश्मनी जो इसमें सवार हुआ बच गया वाह जो पीछे रह गया वो डबो दिया गया इस जमन में एक बड़ी खूबसूरत बात अर्ज करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अल्लाह ताला ने तुरान पाक की सूरा इब्राहिम में फरमाया अलम तारा कईफा मासलन मास मतन तय्यबन कशाज रतन तय्यबन असलहा साब बफर फिसम क्या इन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों की तरफ कि अल्लाह ने कल मैं तैयबा की क्या खूबसूरत मिसाल बयान फरमाई वो है तैयबा है सुबह सुबह डॉक्टर साहब पहले तो आप वो मैं चाहता हूँ कि एक तो नामो नस्बारेशरमाए ना। लेकिन साथ साथ उससे पहले जरा लोगों को एक रूहानी सफर मुख करवा दीजिए मजार पाक का जो आप गए थे क्या मजार पाक कैसा मजार पाक न में जरा बताइए बसमिल रही माशा बड़ा ही आ, सुहाना ये सहरी है कि जिसमें सादात किराम और अहल ब्यात इतहार का जिक्र हो रहा है सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल लब फूल दहन फूल लतन फूल बदन फूल क्या बात रजा उस चमन स्तान करम जहरा है कली जिसकी हुसैन और हसन फूल और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का जुनैद साहब मैं जैसा कि आपने फ़रमाया मुझे पाँच छः साल मिस्र में रहने का इतफाक़ हुआ जाम अल अज़र मिस्र जो आलम इस्लाम की अज़ीम यूनिवर्सिटी है वहाँ जानू तलमज तय करता रहा तो उस दौरान मैंने ये मुशाहिदा किया अपनी आँखों से कि अहल मिस्र जितनी अहल बेत अतहार और सरकार की आल से प्यार करते हैं बहुत कम मिसाल कहीं और मिलेगी अच्छा उनकी ख़ास कल वाबस्तगी है उसकी एक वजह तो ये भी है कि सरकार ने फरमाया फरमायासी कुंबे मिस्र खैरा कि मैं अपनी उम्मत को मिस्र वालों के साथ अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ क्योंकि हजरत सैयद थी और उस वजह से सरकार का वहां ताल्लुक था अब फिर खास नवाजा गया मिसर वालों को वहां अतार का वरूद कसरत से हुआ है, है। मिसर जो जहरा के नाम पर उसके बिल्कुल सामने हजरत सईद इमाम आली मकाम, राकेब दो हजरत इमाम मकाम, इमाम अली रजी तर मदफून है अच्छा। यह बिल्कुल काहिरा के वस्त में मशहद हु यहाँ पे सारी दुनिया हाजिरी देती है और वहां की रूहानियत का क्या आलम है बाहर लिखा हुआ है नूमिन नीव अनमेनल को सही और फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपका मज़ारे पुरानवार मिस्र Allah Allah. के अंदर है फिर आगे चले जाएं तो पूरी शारे उल अशराफ है और उस शारशराफ में हजरत सैयद की बेटी है, उनका मजार है और साथ हजरत जुनेद साहब उसी जगह पे बना है जहाँ आपका घर था और आपने अपने उस मजार के ऊपर आगे इसका जिक्र आएगा एक सौ नब्बे मरतबा उसमें बैठ के खुद कुरान खत्म किया सार से अर्ज करूंगा कि वहाँ फिर आगे हजरत सैयद कीजरत इमाम हसन का मजार भी वहीं पर है जो आपके वारदे आपके तो पूरी वो शाराफ़ी सादात की रोड कहलाती है। जब मिस्र वाले हाजरी देते हैं और मुझे भी बार बार वहाँ हुआ कि वहां ये मुस्तजाब दावा मशहूर है जब मिस्र वाले इनके कदमों में पहुंचते हैं तो उनकी आंखों से आंसू थमते नहीं Allah, Allah. और जड़ी लग जाती है और रोते हैं और जो दुआ वहां मांगते हैं अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है और एक हाए। खास शेर है, जो पड़े नफीसा इन वालों को खुद अठारह बार पढ़े जो दुआ मांगेगा अल्लाह उसे फदा का तर्जुमा भी बता दीजिए वालों को एक आ, इस मुझे भी... तो पैदा कितनी ही शिद्दें हमारी जिंदगी में आती है मुश्किलें आती हैं फदा का सदरी दिल तंग हो जाता है और इंसान बिल्कुल समझता है कि शायद अब इससे आगे बंद गली में घुस गया हूँ लेकिन फिर क्या होता है कि जब मैं बिल्कुल मायूस होने लगता हूं अल्लाह ताला की रहमतें मेरा इस्तेर तो है जो आप पढ़ा करती थी और उसके साथ कुरान के साथ आप के कैफ उनके पे में बहुत कैफ है ना बहुत कैफ है प्रोफेसर तो साहब अब आपकी तरफ आते हैं ये बताइए बचपन अब ये मैं चाहता हूं कि ये जो शख्सियत पाक है ना बिल्कुल ऐसा हो जैसे हम एक लोगों को उनकी शख्सियत बचपन से समझाते हुए जा रहे हैं और विशाले पाक तक एक एक तसलसुल से गुफ्तु चलती है कहीं अगर कोई मिसिंग आप तीनों में से कहीं महसूस हो आप बात को जो है वो अपना रिकॉल कर लीजिएगा कि जी मैं इसका इजाफा करना चाहता हूँ अच्छा जी आप सलाम उल्लह का जो हसन बचपन है और सरकार मदीना सलील वसलम की बारगाह अकदस में जो तवाुर से हाजरी है आपके वालद के तवस्त से जरा वो बताइए बिसमीम जुनेद भाई अभी जब अमा साहब फरमा रहे थे मिस्र के अंदर जो सदात कराम के मज़ारात हैं तो एक नाम आपने सुना सैदा सुना ये वही नाम है जिसको हमारे यहाँ सकीना कहा जाता है सकीना बिनते हुसैन ये वही उसी को असल नाम सुना है इसी तरह जिनका नाम हम आज सैदा नफीसा ले रहे हैं असल नाम सैदा नफैसा नुफैसा नुफैसा ये सैदा नुफैसा जो है ये असल नाम है अब उसी का हमारे यहाँ सुकैना से सकीना और नुफैसा से नफीसा बिल्कुल अब बात यह है मामला यूँ है कि हजूर सैद आलमल सरमान आलिशान है जिसे काज़िया याज़ ने नेशफा में नकल किया और इबन हजर हैतमी ने असवाक मुहरिका में नकल किया फरमान यह है कि मारफ़ा तो आल मोहम्मद

वल विलयत आल मोहम्मद अमानजाब और जिसने आल मोहम्मद से दोस्ती कर ली मोहब्बत इनकी अपने दिल में रख ली विलायत अपने दिल में रख तो अजाब अल्लाह सारे इस पर यानी जो, जो कदमों पे फरीफा हो गया उसे हर अजाब से छुटकारा होगा सुबह छुटकारा हो गया अब ये तो है अहल बेतहार आल मोहम्मद की मोहब्बत का जो असर है हम जिस घराने की बात कर रहे हैं जाहिर है अहले बैत की जो इब्तदाई कड़ियां हैं वो यहीं से तो शुरू हो रहे हैं सुभान। सुभान। आज सुभान। भी अहले बैत का खून जहां नजर आता है हमारे सीने में मोहब्बत का समंदर ठाठे मारने लग पड़ता आ, है, है।, है। तो उनकी औलाद तो कयामत तक सादात ऐसा है इसमें कोई दूसरी रही लेकिन वहां तो यहाँ से शुरू हो रहा है काम ये इब्तदाई कड़ियां हैं हसीन बचपन हसीन बचपन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त पैदा होती हैं आपकी पैदाइश होती है सईदा नफीसा की आपके घर में खुशी तो यकीन हुई आपकी वालदा बेहद खुशी खुश हुई आपके वालद हसन अनवर बहुत खुश हुए और यहाँ पैगाम पहले नंबर पर यह बात कौन से वालदे हैं जो औलाद के पैदा होने पर खुश नहीं होते हुँ, हुँ. लेकिन ख़ास तौर पर तारीख में यह लिखा गया कि इनके वालदे बड़े खुश हुए हुँ. हमारे यहाँ यहाँ एक मामला बड़ा अजीब सा है बेटियाँ पैदा होती हैं तो शायद बाद चेहरे खुश नहीं होते उनको यहां से सबक लेना चाहिए कि अहले व्यति हार का शेवा यह है कि बेटियां पैदा होते हैं तो आए, हाए, हाए। बेटी पैदा हुई अब इनकी जो शक्ल व शबाहत थी जो नए नक्श जिसे हम कहते हैं वो आपकी हसन अनवर की जो उनके वालिद हैं उनकी बहन नफीसा के साथ मिलते थे अच्छा उनकी बहन का नाम भी नफीसा है अच्छा तो वो अपने सीरत और किरदार के लिहाज से एक बड़ा आला मकाम था उनका उनकी शक्ल व शबाहत उनके साथ मिलने की वजह से उनके साथ मोहब्बत भी थी ये हसन अनवर ने अपनी बेटी का नाम उन्हीं के नाम पर नुफैसा रख दिया हाँ। उनका नाम भी नुफैसा था इनका नाम भी रख दिया। अब नुफैसा है घर सादात का है वहां पर जो हर वक्त जो मामला चलता है वह है कुरान मजीद की तिलावत चल रही है। अहले बैत के तस्करे हो रहे हैं वालद और वालदा का अंदाज यह है कि अपनी बेटी को बिठाकर हजरत फातमतरा रजील उनके अहाल सुनाते रहते हैं। Allah, Allah, हसन और हुसैन के तस्कार सुनाते Allah, रहते हैं। Allah, Allah. अब जिनके घर में या कुरान की तिलावत होती हो या हसन और हुसैन के तस्कार चलते हो सीरत फातमा तो जहरा का जिक्र चलता हो तो वहाँ पर जो बच्चे बढ़ेंगे, फूलेंगे पलेंगे, उनके तो हर हर रग में इस घरानी की मोहब्बत होगी एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ रहमत रमज़ान की खसूसी बरह रास्त शरियात में सहर का मौका है और हजरत नफ़ीसा सलामल्ला का तस्कर पाक है क्या खूबसूरत तस्कर पाक है नाजरीन जैद कराम मौजूद हैं अब वो मंजिल है कि जहाँ पर आप लोगों को ये बताइए कि इमाम शाफ अल रहमा जैसी शख्सियत और जुनून मिसरी अ जैसी शख्सियत आपके शागिदों में आपको मुस्तुब दावाद कहें और फिर इमाम शाफ अम का जो विशाल पाक का मामला है ज़रा उस बारे में प्लीज़ जी बिल्कुल जब आप मदीना पाक में थी और फिर वहाँ पर आपके फजल का शोरा था और पूरी दुनिया और चार दांगे आलम में आपकी शोहरत फैल चुकी थी तो एक सौ तिरानवे हिजरी में आप अपने खामिंद शहर नामदार शेख इसहाक अलमोत्मन रजी अल्लाह के साथ आप मिस्र तशरीफ़ लाती हैं और वो जो वाक़ है कि पहले हज़त बयान हो चुका हज़रत इब्राहीम खलील आम के मज़ार गहरबार पर हाज़िरी देने के बाद फिर यहाँ मिसर जब पहुँचती हैं तो वो ये छब्बीस रमज़ानमबारक की शाम है यानी आगे सत्ताईस ललित्र है जब आप वहाँ पहुंची तो मिस्र वालों ने तमाम लोग निकल आए और अहिल बैतः अतार के चश्मो चलाग इनका इस्ते किया जो मोहब्बत थी वारफ्तगी थी आज भी किताबों में मौजूद है कि किस तरीके से सैयद नफीसा को वेलकम कहा गया बड़ा शानदार बहुत शानदार तो वहाँ पे एक उम्मे हानी नाम का ये घर है जो अहिल अतार के खाजा है वहां आप रुकती हैं एक दो और घरों में रुकती हैं इब्तदाई दिनों में तो इतना रश हो जाता है इतनी भीड़ हो जाती है कुछ सवाल करने वाले हैं कुछ ज़्यारत करने वाले हैं कुछ इकतसाब फैज़ करने वाले हैं तो आपने ये देखा कि मेरी जो इबादत जहद व तकवा और कुरान की तालीम की मामूलत हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं तो आपने कहा कि मैं मदीना पाक वापस जाने का इरादा करती हूँ लेकिन वह अहल मिस्र जो खुश थे और जिनकी खुशी जो है उसका कोई हद हिसाब नहीं था उन्होंने कहा नहीं हम आपको अब आप जाने नहीं जाने देंगे। नहीं देंगे अब मिस्र ही जो है आप करम नवाजी फरमाएं और फिर अभी वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि बार बार रसूल सल वसलम दस्तगेरी फरमाते हैं सरकार ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि मिस्र में ही मैं देख रहा हूँ और मैं हुक्म दे रहा हूँ कि आप यहीं जलवागार हो जाएँ और मिस्र वालों को मेरा फैज़ तकसीम करें तो फिर आप वहाँ रह गई लेकिन वो जो एक मसला था कि रश और भीड़ तो जो मिस्र का हाकम था वो भी अहलेबे से मोहब्बत रखने वाला था उसने आपके लिए घर मखसूस कर दिया और दो दिन हफ्ते में मुलाकात और जियारत के लिए कर दिए कि इसके अलावा इनको डिस्टर्ब ना किया जाए और ये अपनी इबादत और तकवा तो वहां पर फिर हज़रत सैदना इमाम शाफ़ी ये एक सौ तिरानवे हजरी में पहुंची एक सौ अट्ठानवे हजरी में इराक़ से हज़रत इमाम शाफ़ी मिसर पहुंचे तो वहां पर शुरू में उनको एक अपोजिशन का सामना हुआ तो उस वक्त सैदा नफीसा सलाम उल्ल ने उनको बहुत ज्यादा आसरा और सहारा दिया और उनकी इलमी सरपरस्ती फरमाई बल्कि ये मशहूर है कि हजरत इमाम शाफ़ी अपने घर से उसताद की मस्जिद में जब दर हदीस और दरसे फिक देने के लिए निकलते थे तो आते जाते हुए रास्ते में पहले हाजरी हजरत सैदा नफीसा की सुबह और जब बीमार होते तो आप दुआ के लिए मैं, मैं अर्ज करने लगा हूं वहां पर हाजरी देते लोग उनसे पूछते कि मस्जिद में आप सिखाने जाते हैं तो इन खातून के पास क्या लेने जाते हैं तो आप फरमाते वहां जो सिखाने जाता हूं वो यहां सीख लेने जाता हूं यानी हजरत इमाम शाफी और तमाम जो हमारे आयमा है उन्होंने अहले बैत से फैज लिया फिर जब आप बीमार होते तो पानी भेजते दम करवाने के लिए तो आप दम कर देती तो वो फ़ौर शिफा याब हो जाते हैं आखिरी दफ़ा ये हुआ कि आपने जब पानी भेजा तो फरमाया मतुल्ला हिल करीम कि मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताली इमाम शाफी को अपने जलवे की ज़्यारत अता फ़रमाए तो उस वक़्त आपका विसाल होता है और फिर आपके जनाजे में हज़रत सैदा नफीसा सलाम खुद तशरीफ़ लाती हैं और आवाज़ आती है हातिफ़ गैबी से कि ए इमाम शाह ए लोगो बख्शिश और मकफरत इमाम शाफ्राही की वजह से हो गई और इमाम की मकफरत की सुभान ये सुभान अच्छा, अच्छा, अच्छा उसमें एक वाक़ा यह भी मिलता है ना कि चूंकि आप बहुत ज्यादा नईफ हो गई थी रोजे रखने की वजह से तो आपका जनाजा मुबारक आपके घर पर लाया गया फिर आपने पर्दे में जो है वो जनाजा अदा किया और आपकी दुआ से फिर यह बरकत से सारा मामला हुआ बिल्कुल ठीक अच्छा जी बात आगे बढ़ाते हैं आपकी करामत मैं पढ़ रहा था कि डेढ़ सौ के करीब कराम आपकी जो लिखी गई, गई है लेकिन उसमें से एक वक्त में जी जी तौर पर बयान करता हूँ आपने जिस घर में क्या फरमा थी मिसर में उमे हानि के घर में तो आपके पड़ोस में ही एक खानदान बसता था उनकी एक बेटी थी जो जहनी तौर पर भी थोड़ी माजूर थी और जिसमानी तौर पर भी माजूर थी अफवाह एक दफ़ा उन्हें कहीं जाना था तो उन्होंने अपनी बेटी को घर में अकेले छोड़ना मुनासब ना समझा और उनको सैदा नफीसा सलाम की खदमत में दरख्वास्त की क्या आप जरा इसके मैं चाह हम चाहते हैं कि आपके पास रहे वो बेटी आपके पास रही जोहर की नमाज के वक्त आप वज़ू फरमा रही थी और बेटी आपके करीब बैठी आपके वज़ू को देख रही अब इसमें तीन रिवायतें हैं एक रिवायत तो ये कहती है कि वज़ू करते हुए आपके पानी के कुछ छींटे उसके ऊपर पड़ गए थे और दूसरी रिवायत ये कहती है कि वज़ू करते हुए जो पानी आपका बहा था तो किसी तरह वो बची फिसली और उस पानी पर गिरी है तो दोनों सूरतों में दोनों सूरतों में पानी लगते ही उसके जिसम के साथ उसके जिसम की वो जो फालिज था वो खत्म हो गया गई अकबर तो फरिश्ते वजू कर फरिश्ते वजू रिश्ते जब उस बच्ची ने देखा कि पानी जहां मुझे लगा है वहां से मैं ठीक हो गई हूं तो फिर खुद उसने अपना हाथ पानी के साथ लगा लगा के अपने जिसम पे फेरा अपने सर पे फेरा और थोड़े ही सैयदा नफीसा सलाम अलह वजू फरमा के नमाज के मसल्ले पर खड़ी हो गई और ये बच्ची तंदुरुस्त होकर बाहर बच्चियों के साथ खेलने जाती अल्लाहू अकबर अल्लाह अकबर ये उनकी एक क्रम इसी तरह एक और जिम्मी ख़ातून थी जिसका बेटा बिलादे रूम में कहीं पकड़ा अच्छा गया वो जो खातून थी फिर सत्तर यहूदी घरों ने इसकी वजह से बिल्कुल अब यहां पर एक और जिम्मी खातून है जिसके बेटे को बिलाद रूम में गिरफ्तार किया गया और वो जाहिर है बड़ा फासला है वो आई आपके पास दुआ करवाने के लिए आपने उसके लिए दुआ फरमाई रात हुई तो उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया जब दरवाजा खुला तो बेटा बाहर खड़ा था अब बेटे को इतनी जल्दी घर में पाकर बड़ा वो खुश हुई बेटा अंदर बिठाया पूछा उसे कि तुम इतनी जल्दी <laughs> कैसे रहा आ गए उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं मैं सिर्फ इतना जानता हूं लम अश और मुझे कुछ और नहीं पता इल्ला इला वक़ात अल कैदी का नफी रिजली मैंने सिर्फ इतना देखा कि मेरे पैरों में जो जंजीर पड़ी हुई थी एक हाथ आया है उस जंजीर पर और एक आवाज आई है कोई कहने वाला कह रहा था इसको आजाद कर दो कद शफात फी है नफीसा बिनत हसन नफीसा बिनत हसन ने शफात कर दिया, कर आजाद दिया और उसके बाद फिर मुझे कुछ खबर नहीं लम अशोर मुझे कोई खबर नहीं है लेकिन मैंने अपने आप को अपने घर के दरवाजे के सामने Allah, 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 Allah. तो ये सैयदा नफीसा सलाम की कराम का सिलसिला तो प्रोफेसर साहब आपका पाक और क्या सरकार अली सलाम की नजर करम जरा बताइए जुनेद साहब जो लोग अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत कर लेते हैं उनके लिए करामात तो कोई माना ही नहीं रहा इस्तेकाम सबसे बड़ी कराम है। असाब काफ़ का वाक्य पढ़ने आपको यह हकीकत मिलेगी वो बनी इसराइल के वली थे ये रसूल के वली हैं हाँ हज़रत नफीसा सलामल जिनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दिन की इशात करते हुए औरतों में मर्दों में इस तरह से गुजरी आपके चंद इर्शादात अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक दो कॉल मुख्तर फरमाती हैं कि अल्लाह की रजाम में राजी रहना इबादत बेशक। है फरमाती हैं कि रोज़ा तजग नफ़ का बेहतरीन जरिया है और कुरान में गौर व फिक्र से अल्लाह का कुर्ब मयसरा और रमजानबारक के हवाले से आपका क्या खूबसूरत इर्शाद है फरमाती हैं कि रोज़े अल्लाह तरशाद है कि रोज़े की जजाब मैं खुद हूँ वाह तो रोजेदार को चाहिए कि वो ऐसे अहतमाम में लगा रहे कि जिससे अल्लाह की कुर्बत नसीबह मिस्र में लोगों का इज्दाम उनकी तरफ मायल हुआ फिर हाकिम को कहना पड़ा कि आप दो दिन आप जोफ़ भी आ गया तो आपकी खिदमत के लिए आपकी पपीजा आपके भाई की बेटी जो साथ रहती थी हजरत जैनब सलाम उल्ला हाँ फरमाती हैं कि आखिरकार उम्र के, के आखिरी हिस्से में आप पर नकाहत आई आप कबर तो, में अपनी इबादत भी किया करती थी कई नमाजें कई कुरान पाक भी वो किया था। तो आप सूरा अनाम की आया करीमा पढ़ते हुए जब मकाम पर पहुंची तो काल कातबा अला काबालाफर रहमा कि अल्लाह ने अपनी ज़ात पर रहमत लाजिम कर ली है जब इस आया करीमा पर पहुँची तो उनको गशी हुई और वहीं वो अल्लाह को प्यारी हो गई तिरसठ बरस की उम्र में अब उसके बाद जब उनके शौहर को पता चला तो वो सामान लेकर गए कि उनको वापस लाएँ लेकिन अहले मिस्र ने इसरार किया कि नहीं इनका वजूद पाक हमारे दरमियान रहे और अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर को फरमाया कि इनको वहाँ रहने दो तो आप अलैहि वसल्लम की इजाज़त से आपने मिस्र वालों को अपना फैज़ बख्शा और आज तक वो मिस्र माशा और जिसपे फ़जूर ने मतलब हाज़ि भी दी माशा जनाब बहुत शुक्रिया अपनी नवाप का तशरीफ़ तस्कर पाक को कबूल भी फरमाए और सैद नफ़ी सलाम्ल के नज़र करम हम तमाम लोगों को भी और जो जो सुन रहे थे सबको अता फरमाए एक बार फिर नाजरीन में आपको खुश आमदेद कहता हूँ और सेगमेंट आपका पसंदीदा कससल कुरान और आज हम तस्करा करेंगे कौम आद का जिनकी हिदायत के लिए हज़रत हूद्लाम को भेजा गया नाजीन थोड़ा मैं तमीदन आपको समझा दूँ कि यह वाक़ क्यों इतना अहम है कि आज जो सुपर पावर्स हैं दुनिया की जिनको अपने सुप्रीम होने पर बड़ा नाज है एक नज़र आने वाले वायरस के ज़रिए से अल्लाह ताली ने उनको उनकी औकात बता दी कि बेसिकली औत किया है ये जो कौम आद के लोग थे इनको भी अपने सुप्रीम होने का या सुपर पावर होने का बड़ा नाज था अब आप यूं समझ लीजिए कि आज जो ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें जो टॉलस्ट मैन है वो 8.8 पॉइंट फीट्स उसकी हाइट बनती है रॉबर्ट वेडलो उसका नाम है अमेरिका से उसका ताल्लुक है और इस वक्त रिसेंटली जो टॉलस्ट मैन है उसका नाम है सुल्तान कौसन और वो एक टर्किश फार्मर है और उसकी जो हाइट है वो एट पॉइंट टू एट समथिंग उसकी फीट्स बनती है तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो लोग थे कौमिया वाले उनकी जो मिनिमम हाइट थी नाजरीन वो सिक्सटी फीट्स बताई जाती है रिवायात में और जो टॉलेस्ट उनके यहाँ जो हाइट थी वो तकरीबन 200 हंड्रेड फीट्स के मुताबिक थी यानी यानी अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो 60 फीट्स का मतलब तकरीबन ये हो गया कि अगर आप चार मंजिला बिल्डिंग देखें तो तकरीबन उसकी हाइट 60 फीट्स बनती है या यूं समझ लीजिए कि एक खजूर का जो दरख्त होता है उस जो टोलस्ट अगर मतलब आप देखें कोई खजूर का दरख्त आपको नजर आए तो तकरीबन वो सिक्सटी फीट्स का होता है तो इनके यहाँ हाइट टू हंड्रेड थी और मिनिमम सिक्सटी फीट्स थी आपको क्लियर हो गया अच्छा जी अब आगाज़ करते हैं इसका कौम आद बेसिकली नाजीन मकाम अहकाफ़ में रहती थी जो ओमान और हज़र मौत के दरमियान एक बड़ा रेगिस्तान है अच्छा थोड़ा सा मैं आपको यह भी समझा दूँ अगर आप गूगल पर जाके सर्च करें तो सऊदी अरब का जो ईस्ट है ये एक्चुअली ओमान बनता है और ओमान यूँ समझ लीजिए कि ओमान का जो नॉर्थ साइड है यह हज़र मौत बनता है ये अरेबिन जो सी है इसका वेस्ट बनता है और अगर आप खनिज फारिस्ट से इसको देखेंगे तो इसका साउथ बनता है ये बेसिकली वो एरिया है जहां पर आज भी इनके जो घर हैं वो वहां पर आपको नजर आएंगे और गूगल पर सुख्त आपको सारे बल्कि आपको स्क्रीन पे सुख नजर आ रहे होंगे बराबर तो इनके जो मुर आला था नाजीन उसका नाम आद बिन ओस बिन इरम बिन साम बिन नू है पूरी कौम के लोग इनके मोरसे अला के नाम से पुकारे जाते थे ये लोग बुतपरस्त और बहुत ही बदआमाल और बद किरदार किस्म के लोग थे अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत हूद सलाम को इन लोगों की हिदायत के लिए भेजा मगर इस कौम ने अपने तकबर और सरकशी की वजह से हजरत हूद को झुटला दिया और अपने कुफ्र पर मुकम्मल तौर पर अड़े रहे हज़रत हुद्लाम बार बार इन सरकशों को अजाब इलाही से डराते रहे मगर इस फितना परवर कौम ने नहाय ही बेबाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से ये कह दिया यानी वो कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और इन सब खुदाओं को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा किया करते थे सो तुम हमारे पास वो अजब ले आओ जिसकी तुम हमें वईद सुनाते हो अगर तुम लोग सच्चे हो अब नाजरीन ये था एक ओपन चैलेंज उस कौम की तरफ से जो कि हजरत अली सलाम को दिया गया या कुदरत को दिया गया आखिर अजाब इलाही की झलकियाँ शुरू हो गई तीन साल तक बारिश नहीं हुई और हर तरफ कहत साली खुश्क साली का दौर दौरा हो गया यहाँ तक लोग अनाज के लिए भी यानी दानों के लिए भी अनाज के वो तरसने लगे आलम यह हो गया कि जानवरों को खा गए पत्तों को खा गए नबातात को सब कुछ खा गए आपको मैं एक कमाल बात बताऊं नाजरीन मैंने आपको जो खजूर की ट्री की मिसाल दी जो बड़े से बड़ा वहां पर दरख्त होता था इनके कद का आलम यह होता था कि एक आदमी को बड़े से ऊंचे से ऊंचे और मजबूत तरीन को जिसकी जड़ें अंदर होती थी उसको अपने हाथ से उखाड़ लिया करता था इतनी ताकत थी और इतनी ताकत इनको दी थी कि पहाड़ों को चीरकर घर बनाया करते थे जस्ट इमेजिन नाजरी है हाईटेक दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है मशीन की जरूरत होती है हम तस्वर नहीं कर सकते लेकिन इनके घरों के बारे में जो आपको इसको दिखाए जाएंगे इस स्क्रीन पर आप अंगुष्ट बदंदा रह जाएंगे वो अपने हाथों से पहाड़ों को चीर कर घर बनाया करते थे और वहाँ कैटेगरीज थी यानी जो लोअर क्लास है वो छोटा घर बनाती थी जो अपर क्लास के लोग हैं वो बहुत ही हसीन पहाड़ों के अंदर घर बनाया करते थे बहरहाल इस ज़माने का दस्तूर था कि जब कोई बला और मुसीबत आती थी तो लोग मक्का मौजमा जाकर खाना काबा में दुआएं मांगा करते थे तो बलाएं बलाएं टल जाती थी चुनाची एक जमात मक्का मौजमा गई इस जमात में मरसद बिन साद नामी एक शख्स भी था जो मोमिन था मगर ईमान को कौम से छुपाए हुए था जब इन लोगों ने मक्का मौजमा में दुआ शुरू की तो मरसद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया ईमान तो जाहिर नाजरी बेदार होने के लिए होता है उसने तड़प कर कहा कि आए मेरी कौम तुम लाख दुआएं मांगो मगर खुदा की कसम उस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम लोग अपने नबी हजरत हूद पर ईमान ना लाओगे हजरत मरसद बिन साद ने अपना ईमान जाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने उन्हें मार पीट के अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे उस वक्त अल्लाह ताला ने तीन बदलियां भेजी एक सफेद रंग की एक सुर्ख रंग की और एक सिया रंग की और आसमान से एक आवाज आई कि अम याद तुम लोग अपनी कौम के लिए इन तीनों बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो इन लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि ये काली बदली खूब ज्यादा बारिश बरसाएगी चुनाचे वो अब्रिया कौम आद की आबादियों पर चल पड़ा कौम आद के लोग काली बदली को देख कर बेतहा खुश हो गए हजरत हूद ने फरमाया मेरी कौम देख लो आजाब इलाही अब्र की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ा यानी वो आखिर में भी तंबी कर रहे थे लेकिन चूंकि उनको जाम था तकबर था अपनी ताकत पर मगर चूंकि वो कौम गुस्ताख हो चुकी थी लिहाजा लोगों ने अपने नबी को झुटला दिया और कहा, कहां का आजाब और कैसा आजाद जैसे आज भी बहुत से लोग कहते हैं ना कि माज अल्लाह से आजाब आएगा

जिनके कद साठ फीट मिनिमम होंगे और दो सौ फीट मैक्सिमम होंगे नाजरीन सोचिए रिवायतों में आता है तो उनकी सवारियों के ऊंट कितने बड़े होंगे जरा सोचिए और यह भी जरा तस्वुर में इमेजिन कीजिए कि जिस वक्त बदली उनको उड़ाती होगी जिस वक्त हवा उनको उड़ाती होगी तो वो ऊंट कहां से कहां जाते होंगे और वो मर्द कहां से कहां जाते होंगे तस्वर नहीं कर सकते बहरहाल इतनी जोरदार आंधी आई कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर ले जाने लगी ये देख कर कौम आद के लोगों ने अपनी संगीन महलों में दाखिल होकर दरवाजों को बंद कर लिया मगर आंधी के झोंके न सिर्फ दरवाजों को उखाड़ कर ले गए आप सोचिए कितनी शदीद आंधी होगी कि वो पहाड़ों के अंदर चीर के घर बनाया करते थे वहां से जो उखाड़ के ले गई बल्कि पूरी इमारतों को यानी जो पहाड़ थे उनको झंझोड़ कर रख दिया और उसकी ईट से ईंट बजा दी सात रात और आठ दिन मुसलसल ये आंधी रही नाजरीन यहां तक कि कौम आद का एक एक आदमी कर फना हो गया और इस कौम का एक फर्द भी बाकी ना रहा जब आंधी खत्म हुई तो इस कौम की लंबी लंबी लाशें जमीन पर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूरों के दर होते खजूर का, का दरख्त हो जब वो जमीन के ऊपर पड़ा होगा तो वह कितना लंबा महसूस होगा यह इनके मिनिमम लोगों की जो है वो अपना हाइट थी बल्कि अगर आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि जो इनके स्केलेटन नाजरीन इस वक्त बरामद हुए उसी एरिया से आप तस्वर कीजिए साहब उनका जो सर है उनका जो सर है उसके पास आदमी खड़ा हुआ है वो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे तो कि कत कितने ऊंचे उचों तबारक ने फरमा और रहे के लोग, तो वो भी ऐसी तेज आंधी से हलाक कर दिए गए जो इंतहाई सर्द नहाय गरजदार थी अल्लाह ने उस आंधी को उन पर मुसलसल साथ रखे और आठ दिन आ, मुसलत रखा सो तू उन लोगों को इस अरसे में इस तरह मरे पड़े देखता है तो यू लगता गोया वो खजूर के गिरे हुए दरख्तों की खोखली जड़े हैं सो तू क्या इनमें से किसी को बाकी देखता है फिर कुदरत खुदाबंदी से काले रंग के परिंदों का एक गौल नमोदार हुआ जिन्होंने इनकी लाशों को उठा उठाकर समुंदर में फेंक दिया और हजरत हूद ने इस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिन को जो ईमान लाए थे साथ लेकर मक्का मुकरमा चले गए और बाकी पूरी जिंदगी बैतुल्ला शरीफ में इबादत करते रहे रुक के एक जुमला और कहना चाहता हूं नाजरीन अब आप जरा विजुलाइज़ कीजिए साठ फीट का छोटा सा आदमी उनका दो सौ फीट का सबसे बड़ा आदमी जब इनकी लाशें बिखरी हुई थी तो अल्लाह ताला तो ने परिंदों के होल के होल भेजे जो इनकी लाशों को उठाकर समुद्रों में फेंक देते थे यानी इनको खत्म करना था इनको बिल्कुल यानी वाइंड अप चैप्टर इनका क्लोज करना था इनकी किताब बंद करनी थी अब जरा सोचिए नाजरीन वो परिंदे कितने बड़े होंगे जो इतनी बड़ी बड़ी लाशों को उठाने के लिए आए होंगे बहरहाल चंद मोमिन को जो कि ईमान लाए थे साथ लेकर हजरत हूद सलाम मक्का चले गए और बाकी पूरी जिंदगी आपने बैतुल्ला शरीफ में इबादत करते हुए गुजारी अब इसमें दो तीन बातें नाजरीन में अर्ज करना चाहता हूँ कुरान करीम के इस दर्दनाक वाकये से सबक मिलता है एक तो बुनियादी बात यह कि कौम आज जो बड़ी ताकतवर थी कदावर कौम थी उसके लोग बेनि खुशहाल थे आपको पता है नाजरीन बड़ी खेती वहां पर होती थी बड़ी खुशहाली थी बड़े मुस्कम थे वो लोग ले लाती खेतियाँ थी हरे भरे बाग थे आलम यह था कि पहाड़ों को तराश तराश के जैसे मैंने आपको बताया कि घर बनाते थे और एक और कमाल बात थी इसमें वो ये थी कि गर्मियों के और सर्दियों के इनके महलत अलग थे जैसे आज हमारे यहाँ जो सर्दियों का सीजन जब आता है तो आपने देखा होगा उन इलाकों के अंदर हीटर्स लग जाया करते हैं जब गर्मियों का सीजन आता है तो हमारे ए ऑन हो जाते हैं एग्जेक्टली नाजरी वो टेक्नोलॉजी उस वक्त उनके पास थी कि वो पहाड़ों को चीर के जो महलात बनाते थे उसमें सर्दियों के महलात अलग थे जहाँ पे वो सर्दियों में रहा करते थे और गर्मियों के महलात अलग थे जहाँ पे वो गर्मियों में रहा करते थे और इन लोगों को नाजरीन अपनी कसरत और ताकत पर इतना अहतमा था यानी इतना अहतमत था कि वो ऐशो इशरत में पड़े हुए थे गुनाहों में पड़े हुए थे और उसी नाज में मुबतला थे मगर कुफ्र और बदामियों और बदकारियों की मनहूसियत ने इन लोगों को कहरे इलाही और अजाब इलाही में मुफ्तला कर दिया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने इनकी पूरी आबादी को झंझोड़कर चकनाचूर कर दिया और इस पूरी कौम के वजूद को अल्लाह तबारक तला ने सफाए हस्ती से मिटा दिया अब इनकी कबरों का भी कोई निशान नहीं है कोई निशान नहीं है नाजरीन यानी जिनको बड़ा नास था अपनी ताकत पर अपनी जाम पर जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है यह एवरत की जा है तमाशा नहीं है हुए नाम बेनिशा कैसे कैसे जमी खा गई आसमा कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है इबरत की जा है तमाशा नहीं है तो इसलिए नाजीन जिन लोगों को अपनी बड़ी ताकत पर ना सा अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि उनकी कोई औकात और कोई हैसियत नहीं बात सारी इतनी सी है कि नेकी की तासीर आबादी है और बदी की तासीर बर्बादी है कुरान मजीद में यूँ बयान किया गया कि बहुत सी बस्तियाँ अपनी बदकारी और बद आमालियों की वजह से हला को बर्बाद कर दी गई और एक और मकाम पर यूँ फरमाया गया कि अगर इन बस्तियों के बाशिंदेमान ले आते ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते लेकिन उन्होंने हक को सो हमने उन्हें इन आमाले बद के बास जो वो अंजाम देते थे अजाब की गिरफ्त में ले लिया यानी पकड़ लिया ये पकड़ बड़ी सख्त नाजरी आज जितने भी लोग अपनी ताकत पर बड़ा नाश करते हैं। जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं माइट इज राइट की पॉलिसी पर चलते हैं जो ये कहते हैं कि हम सुपर पावरें दुनिया में याद रखी मेरा रब सुप्रीम पावर है बस मेरे रब की ताकत है मेरे रब की मेरे रब की हाकमियत है मेरे रब की इज्जत है मेरे रब का वक़ार है मेरे रब के अख्तियार में सब कुछ है कुदरत जिस वक्त चाहती है जैसे चाहती है जिस लम्हे चाहती है जिस अंदाज से चाहती है इंसान को उसकी ताकत की औकात बता देती है मैंने एक जुमला इब्तदा में अदा किया था मैं फिर अदा करने जा रहा हूँ और सबसे पहले जुमला मैंने ही अदा किया था नाजरीन कि आज कोरोना वर्ल्ड के अंदर रहते हुए इंसान को यह पता चल गया है कि इंसान की ताकत कुछ नहीं है एक ना नजर आने वाले वायरस ने इंसान को बता दिया पूरी दुनिया को बता दिया सारी सुप्रीम पावर्स को बता दिया सुपर पावर्स को बता दिया। जो सो हैं कि तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है तो जरा सोचिए नाजरीन जब अल्लाह तबारक खुदा ना खास्ता वाक तनावे खींच ले या जरा सा जमीन को सिरका दे तो इंसान कहां पर जाएगा कौम आद को नाच था अपनी ताकत पर अपनी कुत पर एक और बात आखिर में आपको बताऊं जो बड़ी हैरान कौन है इनकी जो उम्र थी नाजरी वो 700 से 800 बरस हुआ करती थी सेवन एट सेंचुरीज तक ये जिंदा रहा करते थे और एक और कमाल आपको बात बताऊं आप हैरान हो जाएंगे इस बात को के वो बीमार नहीं होते थे यानी कभी उनके कान में दर्द नहीं होता था कभी उनके नाक में दर्द नहीं होता था उनको नजला नहीं होता था कभी उनको आशोब चश्म का मसला नहीं होता था कभी उनको बुखार नहीं होता था कभी उनके सर में दर्द नहीं होता था उनके दांत जो है वो कमजोर नहीं होते थे उनके हाथों में जोफ नहीं आता था झुरिया नहीं पड़ती थी यानी आलम यह था कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त सेहतमंद तोना रहते थे बीमारी का गुजर उनके पास से नहीं होता था उनके हाथों में रशा भी नहीं आता था लेकिन वही बात है जब लिपटने की बारी आती है और लपेटने की बारी आती है तो कुदरत एक लम्हे के अंदर इंसान को लपेटती है और एक तरफ उसके चैप्टर को क्लोज करके उसकी किताब को बंद कर देती है बस अल्लाह से रहम मांगे वमा कान अल्लाह हमेशा एक ही बात कहता वमा कान अल्लाह वन तफ़ी हूँ यह सब सरकार का सदका है कि सरकार सलाम के सदके हमारी पकड़ नहीं होती वरना हम तो उससे ज़्यादा तकबर में मुबला हो चुके हैं इजाज़त दीजिए इस दुआ इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताली आपका हमारा हम सब का हामीन आसर अल्ला